नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, और हर दिन इस शेयर की मैं एक वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप लोगों के पास भी सलासर टेक्नो है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत आप लोगों की मैं हेल्प करूँगा। आज शेयर में 0.5% की गिरावट आई है, कैंडल सही बनी है, कैंडल उतनी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं बनी हुई है। आप लोगों को पता होगा कि ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में भी है, और इसी स्टेज वन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ से कब बाहर आ सकता है, संभावना क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या एसएम की भी मैं वीडियो बनाते रहूँ, हमेशा अपडेट देता रहूँ कि कब आएगा कब नहीं आएगा। हालांकि जो मैं आपको एक डेट बताऊँगा उसके आसपास ये बाहर आएगा, एसएम के लिए से संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। वो डेट आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग कहोगे तो मैं हर 2-4 दिन के बाद एसएम को भी कवर करता रहूँगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में ये 24 जनवरी 2024 को एड हुआ है, और अभी तक यहाँ पे एग्जिट डेट में देखेंगे तो एक्टिव है, उसके पहले कई बार गया है, ठीक है ना। लेकिन वो बाहर आ गया था, शॉर्ट टर्म में कभी गया था, और शॉर्ट टर्म में 24 जनवरी को वही निकाल के सीधा इसको लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया। मतलब गया था पहले शॉर्ट टर्म में, लेकिन मतलब फिर से बदल के उसको लॉन्ग टर्म में कर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये बाहर कब आएगा, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है लॉन्ग टर्म के एसएम के लिस्ट से बाहर होने के लिए शेयरों का ना, 90 दिन का उनको जो है मतलब कैलेंडर डे पूरा करना होता है, मतलब सीधा छुट्टी मुट्टी सब मिला के 90 दिन पूरा करना होता है उनको कैलेंडर डे। तो 90 दिन अगर हम लोग काउंट करेंगे, और ये मैं एक बार बताया भी हूँ आपको, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि 90 दिन एग्जैक्ट 90 दिन कितना हो रहा है। मैं तो राउंड फिगर में आपको बता दूंगा, क्योंकि 1-2 दिन तो आप उतना जोड़ने के लिए नहीं जाएंगे ना, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। आप अपना कैलकुलेट करके बताइएगा कैलेंडर पे जाके, अपने मोबाइल में कैलेंडर ओपन करके, कि 90 दिन किस दिन आ रहा है। देखिए 24 जनवरी से सीधा सीधा लेंगे 24 फरवरी, 1 महीना हो गया। 24 मार्च ले लेंगे, 2 महीना हुआ। 24 अप्रैल ले लेंगे, 3 महीना। तो 24 अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल 24 अप्रैल ये डेट आप लोगों को लिख लेनी चाहिए, 24/5/2024, 24/4/2024, ठीक है ना। और इस दिन ये बाहर आ सकता है, मतलब उसी के 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद, क्योंकि 29 का महीना फरवरी वाला था तो उसका भी हो सकता है, बाकी और भी महीना 31 के 29 के रहे 30 के रहे होंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लीजिएगा 90 दिन, कमेंट करिए कि किस दिन आ रहा है, दिन कौन सा है और तारीख कौन सी है। 24 के आसपास ही आएगा मेरे हिसाब से, तो 24 अप्रैल आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, उसी के आसपास बाहर निकलेगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं एसएम की लिस्ट को फॉलो करता हूँ। चार्ट पे देखिए, चार्ट पे अगर हम लोग देखें कैंडलस्टिक को, मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। अब बुलिंजर का तो कंफर्मेशन नहीं है अभी, यहाँ पे जो आरएसआई है वो बिल्कुल सही पोजिशन पे है। आरएसआई को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। आरएसआई को कहाँ तक जाना चाहिए, ये 50 रुपये का एक लेबल में ड्रॉ करके आपको बताया था कि नहीं, आरएसआई, आरएसआई को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक जाना चाहिए, और 50 के बाद फिर से 70 के लिए इसको मूव करना शुरू कर देना चाहिए। आरएसआई की बता रहा हूँ, 50 का लेबल मार्क कर लीजिए। आरएसआई को 54 पे अभी है, तो 4 पॉइंट आरएसआई चाहे तो और घट सकता है, और उसी 4 पॉइंट में अगर इसमें भी गिरावट आ रही है तो 1-2 रेड कैंडल बन सकती हैं, नॉर्मल सी बात है। तो एक रेड कैंडल और बन जाए वो अच्छी बात रहेगी, फिर उसके बाद आरएसआई को ब्रेकआउट देना चाहिए, प्राइस को भी ब्रेकआउट देना चाहिए, और फिर सीधा 30 रुपये तक का मोमेंटम दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हो गया आरएसआई का बात, इसको अब लोग हटा देते हैं। बुलिंजर बैंड का कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है, वो तो साइडवेज अभी भी बता रहा है, उसको छोड़ देंगे। कैंडलस्टिक देख लेंगे, कैंडलस्टिक में लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद एक रेड कैंडल फिर से बन रही, ब्रेकआउट इसका हो चुका है। अब आप लोग पता नहीं कैसे ब्रेकआउट देखते हो, मैं जो ब्रेकआउट देख रहा हूँ यहाँ से एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ किया हूँ, और यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ, इसी को आके ये बहुत तो रिटेस्ट कर सकता है, अगर मतलब आना हो तो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ये फिर से जो है एक मोमेंटम 30 रुपये तक कर सकता है, 30 रुपये नहीं तो कम से कम 28 रुपये तक तक को उसको करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक रेंज है, रेंज का मैं ऊपरी छोर मार्क करके रखा हूँ, लेकिन निचली छोर जो है वो जो ये वाला हाई भी बना है यहाँ पे, तो इसका है 28 रुपये। तो कम से कम 28 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये तक का मोमेंटम अभी हाल फिलहाल में इसको करना चाहिए, जो मेरा मानना है। स्ट्रेटेजी सेम वही रहेगी कि इस लाइन के जब तक ऊपर रहेगा, या फिर कह लें छोटा मोटा आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हो, तो देखिए 20 DMA मूविंग एवरेज है, 20 DMA को तो कभी भी आके टच कर सकता है,
जो 21 रुपये 55 पैसे पे है, ये ब्लैक वाली लाइन जो आप लोग हमेशा देखते हो मेरे चार्ट पे, इसको तो कभी भी आके टच कर सकता है। तो इसके नीचे ही नहीं हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब इसके 21 रुपये 25 पैसे के नीचे डेली कैंडल क्लोज करेगा तभी छोटा वाला स्टॉप लॉस लेने का कोई व्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत परेशानी है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, अगर फॉलो करना होगा तो छोटा स्टॉप लॉस तो आप लोग फॉलो करिएगा 20 रुपये 60 पैसे का, छोटा फॉलो करना होगा तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 19 रुपये वाला हम लोग का अच्छे सपोर्ट काम किया ही है तो उस पर विश्वास तो रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा वाला चाहिए। और तो 15 साढ़े 15 रुपये का जो आप लोगों को नेक्स्ट मैं बता के रखा हूँ ये वाला रहेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, मेरे हिसाब से अभी कंडीशन सही है, जो भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं बताऊँगा। जो भी देखिए मुझे जो आता है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, वो मैं अपने हिसाब से गाइड कर दूंगा, फिर आप लोगों की मर्जी। वैसे हमारे बोलने से ही सब कुछ आप लोग करते नहीं हो, ये मुझे भी पता है कि अगर मेरी वीडियो को 3,000 लोग आप लोग देखते हो तो 3,000 में से शायद 2-4 या 3-4-5-10 लोग फॉलो करते होंगे, क्यों मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप लोग करोगे तो अपने मन का ही, और करना भी चाहिए अपने मन की, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।